नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर आप सभी का आज की करंट अफेयर्स में। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हाल ही में एयर इंडिया का कौन सा विमान भारत पहुंचा है। जी हाँ, इसका जवाब है एयरबस A350-900। जी दूसरा प्रश्न होता है कि A350-900 विमान जो है किस देश से भारत पहुँचा है। इसका आंसर होगा फ्रांस। नेक्स्ट, इसके बारे में बता देते हैं आपको, जो एयरलाइन है ये एयर इंडिया, इसको टाटा ग्रुप ने 2022 में भारत सरकार से 18,000 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। आगे चलते हैं, भारतीय महिला टीम ने पहली बार किस देश को हराया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया को। टेस्ट मैच में भारतीय महिला टीम ने 8 विकेट से जीत कर इतिहास रच दिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को महिला टेस्ट इतिहास में पहली बार शिकस्त दी है। ये याद रखना कि महिला टेस्ट इतिहास में पहली बार जो है भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। नेक्स्ट चलते हैं, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है, आप सभी को मालूम है। लेकिन अभी क्रिसमस डे 25 से दिसंबर को निकला है, तो आपको शायद ये मालूम नहीं होगा कि रूस और यूक्रेन में, क्योंकि यूक्रेन रूस का ही भाग था, तो वहाँ पे 7 जनवरी को क्रिसमस मनाया जाता था। लेकिन अब की बार जो है 25 दिसंबर को उन्होंने क्रिसमस मनाया है। तो इसकी वजह क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि रूस और यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन ज़्यादा हैं, इसलिए वो 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते थे। और यूक्रेन और रूस दोनों देशों में जो है जूलियन कैलेंडर को फॉलो किया जाता है, जिसमें क्रिसमस डेट 7 जनवरी है। आपको बता दें, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं जिन्होंने इस बिल को मंजूरी दे दी थी। 25 दिसंबर को क्रिसमस बताया पब्लिक हॉलीडे घोषित किया है। आपको ये भी बता दें कि फरवरी 2022 से यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। ये जंग क्यों हुई इसके बारे में बता देता हूँ आपको कि ये जो है इस जंग की सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन वेस्टर्न अलायंस और ख़ासतौर पर नाटो में शामिल होना है। यह बात रूस और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उसको ये बात किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, इसलिए उनके बीच में ये जंग चल रही है। नमस्कार दोस्तों।